भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले स्थानीय बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश राज्य का प्रजापति समाज का भव्य प्रदेश स्तरीय जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के प्रजापति समाज के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान मौजूद अतिथियों द्वारा समाज को दिशा निर्देश देते हुए समाज के उत्थान की बात कही गई। ऐसी शानदार शख्सियत जिन्होंने हमारे समाज, हमारे शहर एवं हमारे प्रदेश को कोई क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। हाँ जी बोल दीजिए। तो और आज हमारे बीच प्रजापति हीरोज महासभा के सिद्धगिरी जी महाराज हमारे बीच हैं। आइए मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी, जी समाज के कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समाज, प्रजापति समाज सदियों सदियों से पिछड़ता आ रहा है और प्रजापति समाज में अनेक संगठन हैं, पर तमाम संगठनों को कोई दिशा नहीं मिल रही है। ऐसे ही हमारे सेलन से हैं सत्यनारायण जी, इन्होंने और हमने बेंगलोर में एक मीटिंग की और मीटिंग में तय पाया गया कि प्रजापति समाज को एक नई दिशा दी जाए। तो इन्होंने हीरोज ग्रुप बनाया। हीरोज ग्रुप का एक मेन उद्देश्य है कि बुद्धिजीवी लोगों को एकत्र करके समाज की दिशा को आगे बढ़ाना है और हम जो है इस समाज को बहुत ही उच्च वर्ग का बनाना चाहते हैं। प्रजापति समाज का जो उद्योग है, जैसे ईंट उद्योग है, माटी कला के बर्तन हैं, वो आज नगण्य हो गए हैं। भारत की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इन दोनों सरकारों का हीरोज ग्रुप ध्यान दिलाना चाहता है, आगाह कर रहा है कि आप प्रजापति समाज के लोग जो ईंट का उद्योग है वो करते हैं तो उनको सहायता दी जाए। सभी उद्योगों को सहायता देते हैं, प्रजापति समाज को क्यों सहायता नहीं देते? क्या गुनाह किया? तो इनको सहायता दी जाए, बैंक लोन दिए जाए, इनको जमीन दी जाए, मिट्टी खोदने को जगह जो दी गई है वो भूमाफियाओं ने हड़प ली वो दिलवाई जाए और प्रजापति समाज को विशेष राजनीतिक भागीदारी दी जाए। सभी संगठन के लोग सभी समाज को भागीदारी देते हैं, जाट को, गुजर को, ब्राह्मण को, राजपूत को। प्रजापति समाज भारत में 10 करोड़ वोट हैं और ज्यादा हो गए, और 10 करोड़ वोटों की अगर कहीं गिनती नहीं है तो फिर हीरोज ग्रुप की तरफ से मैं सिद्धगिरी बाबा चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको क्षति पहुँचाने में हम तैयार हो चुके हैं। बाबा सिद्धगिरी जी महाराज ने प्रजापति समाज के उत्थान हमारा हिस्सा करीब करीब पूरा राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो 10 करोड़ की जनसंख्या हमारी मानी जाती है और हमारा समाज सदियों से पारंपरिक धंधे पे ही अपनी जीविका उपार्जन करता रहा है, जो अब आधुनिकता के चलते उन बर्तनों का और का चलन कम हो गया है। लेकिन हमारा समाज क्योंकि उसी व्यवसाय पे निर्भर था और उस न्यू व्यवसाय को नई तकनीक से जोड़ने के लिए उसके पास साधन नहीं थे, तो हमारा समाज उस साधनों की कमी के चलते, शिक्षा की कमी के चलते पिछड़ता गया। और सबसे बड़ी बात जो ये है, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है और आज राजनीति में रुपये पैसे का ही पूरा बोलबाला है, उसके चलते हमें राजनीति में भी भागीदारी नहीं मिलती है। और जब तक राजनीति में जहाँ पे नीति निर्धारण होता है वहाँ पर जब तक हमारे लोग नहीं बैठेंगे तो हमारे विषय में सोचने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं हमारी विलुप्त होती माटी कला को राष्ट्रीय स्तर पे माटी कला बोर्ड स्तर का गठन करके उसको संरक्षण दिया जाए और राजनीति में हमारी भागीदारी के लिए हमें चुनावी प्रक्रिया से न गुजार करके बोर्डों में, निकायों आदि में हमारे समाज को सीधा भागीदारी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा नागदा के श्री राधे साहब जी, प्रजापति साहब मालवी प्रजापति समाज के जिले के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे साहब जी प्रजापति साहब, श्री अशोक जी उदयवान साहब, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा।